अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पुलिस विभाग ने एक और अनुकरणीय पहल शुरू की है। सोमवार सुबह कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस, एसपी सिमाला प्रसाद और एसपी श्रद्धा जोशी ने पुलिस ग्राउंड से करीब 3 दर्जन अभ्यास स्क्वाड को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस स्क्वाड की शुरुआत बैतूल के अलावा हर थानों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक साथ शुरू की जा रही। इस स्क्वाड की खासियत है कि महिलाओं और युवतियों को तुरंत सेवाएं मिल जाया करेगी। संकोच वश कई मर्तबा महिलाएं पुरुष पुलिस कर्मियों को अपनी बातें साझा नहीं कर पाती है। इस स्क्वाड के बनने से महिला पुलिस कर्मियों से सीधे वार्तालाप हो जाया करेगी। अभ्या की टीम से महिलाएं संपर्क कर समस्याओं का हल निकालेगी। बनाएगी अभ्या स्क्वाड के लिए कंट्रोल रूम में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। स्क्वाड सुबह, दोपहर और शाम को ज्यादा अलर्ट रहेगी। इस समय महिलाओं और युवतियों के स्कूल, कॉलेज, कार्यालय जाने आने का समय रहता है। इसके अलावा फोर लेन समेत स्कूल कॉलेज के सामने भी निरीक्षण कर असामाजिक और मनचलों तत्वों पर अंकुश लगाने का काम करेगी। जिला स्तर पर केसर बाग मैरिज लॉन में भी एक कार्यक्रम में स्क्वाड की शुरुआत हो रही है। एसपी सिमाला प्रसाद की विशेष पहल पर इस स्क्वाड के शुरू होने से महिलाओं और युवतियों को राहत मिलेगी। ये जो अभ्या स्क्वाड का जो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे जो ये शुरुआत की गई है, मूलभूत रूप से ये है कि जो महिलाएं, जो बच्चियां हेजिटेट होती हैं, जिनमें आत्मविश्वास की थोड़ा सा इस स्तर पे रहता है कि वो अपनी समस्याओं को बाहर नहीं बता पाती हैं, तो उन्हीं के बीच से हमने कुछ ऐसी बच्चियां चयनित की हैं जो उन्हीं के बीच से हैं और उन्हीं की प्रॉब्लम्स को हम लोग तक लेके आएंगे। आज जब ब्रीफिंग के दौरान भी जब हम अभी स्क्वाड के बच्चों से बात कर रहे थे, तब ये जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम तक आई। कई बार जब पुलिस जाती हैं तो बहुत लोग पुलिस से बात करने में हेजिटेट होते हैं, वहीं अगर ये जो बच्चियां हैं जो हमने विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत से ली हैं, लोकल से ली हैं, वहाँ ये होगा कि अगर ऐसा कोई भी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बच्चा, कोई लड़का उन्हें परेशान कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हम तक आएंगी। मैम, पुलिस का जो बल है उसको कितनी का जो बल है, जो उपलब्ध बल है, वो निसंदेह उसमें कमी रहती है, जो सैंक्शन रहता है उसमें। जब ये दो आहत और हम लोगों के साथ आएंगे तो निसंदेह हमारे जो 17 थाने हैं उन्हीं के सब थानों से ये आई हैं बच्चियां, तो हमें और फोर्स मिलेगा। जैसे हमारे साथ अभी ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति जैसे कार्य कर रही है, उसी प्रकार से ये जो अभ्या स्क्वाड है महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमें दो हाथ और मिलेंगे और हम बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। महिला दिवस के अवसर पर एक नया स्क्वाड आपने शुरू किया है, इसका नाम क्या है, इसका अर्थ? आज से एक नया स्क्वाड बैतूल पुलिस ने शुरू किया है महिला दिवस पे, जिसका नाम है अभ्या स्क्वाड। और अभ्या का अर्थ होता है भय मुक्त। अभ्या का फुल फॉर्म यह है कि अविरल भय मुक्त यात्रा। इसका बेसिक पर्पस यही है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें कहीं आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कई बार ईव टीजिंग या स्टॉकिंग का शिकार होती हैं, तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये स्क्वाड रखा गया है। और इसमें हम अभ्या मंच का भी आयोजन, जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके डेली करेंगे, वहाँ कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, जैसे किसी जगह पे लाइट कम है या किसी दुकान में उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई महिला सेल्स पर्सन होती तो शायद बेटर होता, हम कंफर्टेबली चीज़ें खरीद लेते, या हाट बाज़ारों में भी गांव में कई प्रकार दिक्कतें आती हैं, कई बार चौराहे पे कॉलेज के सामने, जैसे कई बच्चियों ने भी अभी बताया कि स्कूल के आगे भी कुछ लड़कियां अनावश्यक खड़े रहते हैं, कुछ पानी पूरी वगैरह के ठेलों पे भी उन्हें खाना नहीं है, फिर भी लड़के वहां पे खड़े हैं लड़कियों को देखते हुए, तो इन सब चीज़ों से जिससे उनको हेजिटेशन होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है, उसको ओवरकम करने के लिए अभ्या स्क्वाड रखा गया। मैम, ये जो डरी हुई है, मतलब वो देख रही हैं चीज़ों को लेकिन वो मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही पुलिस के पास तक, तो उनकी सुरक्षा, जो अभ्या स्क्वाड भी रहेगी, उनकी भी सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त रहेंगे? उनकी सुरक्षा ऐसा है कि अब वो सुरक्षा समिति के सदस्य हैं और वो अब पुलिस के ही तरह काम करेंगी और पुलिस विभाग का ही वो हिस्सा बन चुके हैं, तो अब उन्हें निर्भीक होकर काम करना पड़ेगा और निर्भीक होकर काम करें, लोगों से संपर्क करें, जितनी भी समस्याएं उनके क्षेत्र में आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों से, महिलाओं से, स्कूल से, कॉलेजेस हैं, अपने जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उसको प्रचारित करें और उसके माध्यम से हम तक जो समस्याएं हैं
वो पहुँचाएँ ताकि हम उन्हें ओवरकम कर सकें। और कोई इस बात के लिए डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसके बारे में भी पुलिस को संज्ञान में लेकर आएँ। कितने समय में पुलिस इनके शिकायत के बाद एक्टिव हो जाएगी? देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि तत्काल ही हम रिस्पॉन्ड करें, और कई बार फोर्स के भाव के कारण हम लोग नहीं कर पाते, इसीलिए ये और एक एडिशनल आज से स्क्वाड रखा गया है, ताकि जो समस्याएं आ रही हैं, सबसे पहले तो समस्याएं रखें महिलाएं, ये अपेक्षा है। उसके बाद जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम निराकरण करें।